सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से पिक्चर्स ली गई हैं। गो टू दिस वेबसाइट एज वेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्किफॉइड, स्किफॉइड होता है हमारे रेडियस के साइड पे, जहाँ पे हमारे थंब के नीचे जो रिस्बन होती है वो स्किफॉइड होती है, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होती है, तो यूजली एक्सरे भी आता है, तो इसी का फ्रैक्चर कहा था। बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल, इट्स अ वेरी बिग बोन एंड इट्स वेरी ईजली आइडेंटिफाई। तो ये देखो, ये स्किफॉइड है, ये इसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है। ये फ्रैक्चर में कन्फ्यूजन होती है अपर लिम में, डैट कोलिस फ्रैक्चर, आइदर इट्स अ कोलिस फ्रैक्चर या स्मिथ फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर वो होता है जो आउटवर्ड की तरफ डिस्प्लेस होता है, स्मिथ फ्रैक्चर इनवर्ड की तरफ होता है, ये इनकी डेफिनेशन है। बट एक्सरे में कैसे, एक्सरे में कोलिस फ्रैक्चर वो होता है जो सामने की तरफ जाए, ठीक है, जो डिस्प्लेस होकर सामने की तरफ चला जाए, और स्मिथ तो होता है जो पीछे की तरफ चला जाए। इन अदर वर्ड, ये हमारा थंब है, जो थंब की तरफ जा रहा है डिस्प्लेस होके वो कॉलिस फ्रैक्चर है, जो थंब्स ये रहा थंब जो थंब से अवे जा रहा है वो स्मिथ फ्रैक्चर है। तो आइडेंटिफाई कॉलिस फ्रैक्चर एज यू नो इज ऑल्सो नोन एज डाइनर फॉक डिफॉर्मिटी। इट लुक लाइक अ डाइनर फॉक। तो ये कॉलिस और स्मिथ है। कॉलिस सामने जाता है थंब की तरफ, स्मिथ पीछे जाता है अवे फ्रॉम द थंब। ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर, ह्यूमरस का हेड देखो, अगर तुम देखो ये ऊपर एक डार्कर वाइट है, उसके बाद लाइटर वाइट है। ये जो डार्कर वाइट है ये जो है ये हेड होता है। इस रीजन में कोई भी फ्रैक्चर की लाइन नजर आ रही है तो वो हेड का फ्रैक्चर हो गया। इसके नीचे कोई आ गया तो वो नेक का फ्रैक्चर है। यहाँ पे कुछ आ जाए तो वो शेफ्ट का फ्रैक्चर है। इसको हम फर्दर देखते हैं, ये देखो ये है ट्यूब्रोसिटी, यानी ये रहा हमारा हेड, ये जो डार्कर में बात कर रहा था ये रहा हेड। इस रीजन में कोई भी फ्रैक्चर आ जाए, कोई भी लाइन आ जाए तो इट्स फ्रैक्चर ऑफ हेड। ये ट्यूब्रोसिटी है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे जैसे यहाँ जो ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है, देखो ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ये ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर है। ये लेसर ट्यूब्रोसिटी है, ये एक लाइन जो नजर आ रही है ये लेसर ट्यूब्रोसिटी है। यहाँ पे ये लाइन अगर टूटी हुई है तो लेसर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर है। तो ह्यूमरस के फ्रैक्चर पाँच किस्म के आ सकते हैं। तो लुक एट एक्सरे केयरफुली, ये नेक का हो गया, ठीक है, इससे और नीचे आ जाओ यहाँ पे हो रहा है तो शेफ्ट का फ्रैक्चर हो जाएगा, ये दो हो गए। तीसरा ये हेड, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो तो हेड का फ्रैक्चर हो गया। ये ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है, जो बाहर की तरफ है वो ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, यहाँ का फ्रैक्चर हुआ तो ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर, और ये लेसर ट्यूब्रोसिटी है, यहाँ का फ्रैक्चर हो गया तो दैट्स अ लेसर ट्यूब्रोसिटी फ्रैक्चर। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स जो कि आ सकते हैं आपके अपर लिम में। थैंक यू।